नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल स्टिचिंग मॉल हिंदी पर। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे आप अपने हाथ से बने उत्पादों की मूल्य निर्धारित कर सकते हैं, जिसमें प्राप्ति और मूल्य के बीच सही संतुलन ढूंढना बहुत महत्वपूर्ण है। हाथ से बने उत्पादों की मूल्य निर्धारण महत्वपूर्ण है। कम मूल्य निर्धारण से आप अपने उत्पादों को अपने ग्राहकों के लिए प्रेरित कर सकते हैं, लेकिन अधिक मूल्य निर्धारण से वे आपके उत्पादों को खरीदने की स्थिति में नहीं हो सकते हैं। सही मूल्य निर्धारण के लिए आपको कुछ मुख्य तत्वों का ध्यान रखना चाहिए। पहले आपको अपने उत्पाद की खरीद मूल्य को निर्धारित करना होगा, सामग्री, कार्यशाला खर्च, मेहनत आदि। फिर आपको अपने उत्पादों की अंतिम मूल्य को निर्धारित करने के लिए लागत को अपने मूल्य से घटाना और अतिरिक्त लाभ जोड़ना होगा। यह आपके उत्पाद की गुणवत्ता, स्थान और आपकी ब्रांड मूल्यांकन के आधार पर निर्भर करेगा। ध्यान दें कि अधिक मूल्य निर्धारण से आपके ग्राहकों के अंदर आपके उत्पादों को खरीदने के लिए तैयारी की जरूरत हो सकती है। इसलिए सही संतुलन ढूंढने के लिए आपको अपने उत्पादों की मूल्यवानता का भी ध्यान रखना होगा। तो यह था हमारा आज का वीडियो, हाथ से बने उत्पादों की मूल्य निर्धारण, लाभ और मूल्य के बीच सही संतुलन ढूंढना। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अधिक जानकारी के लिए आप stitchingmall.com पर जा सकते हैं।